एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काजल। अभी कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज है करवा चौथ, आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई करवा चौथ का, हैप्पी करवा चौथ। तो आप लोग अच्छे से करवा चौथ मनाइए और हम भी मनाएंगे। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि हम अभी सुबह नहीं 11:30 बज रहा है शायद। तो नहावा लिए हैं, बाल बाल धो के हम कुछ इस तरीके का साड़ी पहने हैं और अभी हम जाएंगे पूजा करने के लिए। पहले पूजा कर लेते हैं, शाम में भी करते हैं पर अभी हम कर लेते हैं क्योंकि ऐसे भगवान जी को तो ऐसे मतलब बासी घर नहीं रख सकते ना। तो पहले पूजा कर लेते हैं फिर शाम में भी करेंगे। तो शाम में भी करेंगे और अभी भी कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ऐसे तो खाली नहीं हम छोड़ते हैं तो हमको अच्छा भी नहीं लगता। और नहावा लिए इसलिए क्योंकि बिना नहाए अजीब सा मन लग रहा था। तो पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग को दिखाएंगे कि हम क्या क्या सामान लेके आए मार्केट से और क्या क्या और लाना बाकी है। बाकी तो कुछ नहीं है, बस चूड़ी लाना है। तो वो मेरे हस्बैंड ला देंगे, बोल के गए हैं कि हम ले आएंगे मार्केट से, चूड़ी का नाप दे दिए हैं तो वो ले के ही आएँगे। उनको भी मेरे तरफ से हैप्पी करवा चौथ, हम वीडियो में ही उनको बोल दे रहे हैं क्योंकि बोलने के लिए सुबह में भूल गए थे। तो चलिए कोई बात नहीं, पहले पूजा कर लेते हैं उसके बाद फिर सामान दिखाएंगे क्या क्या लेके आए हैं और फिर कुछ काम बाकी हो तो वो भी कर लेंगे। तो बाबू अभी सोया हुआ है तो झटपट पूजा कर लेते हैं। तो लाल ज़्यादा नहीं हुआ है पर जितना हुआ है वो बहुत है। तो चलिए पहले छत पे जाके कपड़ा पसार लेते हैं। कपड़े पसार के हो गए हैं फ्री और अब जा रहे हैं नीचे। आज तो बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए चलते हैं नीचे। आई होप कि बाबू ना उठा हो, अगर उठ गया होगा तो रोना होगा। अच्छा है नहीं उठाए बाबू, अभी नहीं उठाया है। तो चलिए पहले जल्दी जल्दी सामान दिखा देते हैं कि क्या क्या लेके आए हैं, पहले वो आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं, उसके बाद फिर जो भी काम होगा करते रहेंगे। चलिए पहले दिखा देते हैं। तो फर्स्ट में हम ये दिखाते हैं, ये खोलेंगे नहीं, ये कड़वा है शायद, इसमें एक दिया भी है थोड़ा सा, आपको दिखा देते हैं। एक दिया भी है छोटा सा और इसमें एक ढक्कन भी है और ये कड़वा है। तो आप लोग क्या बोलते हैं इसे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो हमसे और एक छन्नी लिए हैं जो कि हम अभी इसको नहीं देखेंगे,
ये रहा कुछ इस तरीके का लैस लगा हुआ था और भी ज़्यादा अच्छा मिल रहा था, लेकिन हम क्या करते, अगले साल हम अच्छा लिए थे पर वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो हम कुछ इस तरीके का नॉर्मल ही ले लिए थे। कोई बात नहीं, काम करना है बाकी, और कुछ काम नहीं है इसका। उसके बाद हम ये केला ज़्यादा पॉपुलर लगता है। उसके बाद हम इस तरीके का केला लिए थे जो कि पूजा में चढ़ाएंगे, सामने भी पूजा करेंगे, तो दीदी पता नहीं कैसे भूल गया। तो यहाँ पर हम एक दर्जन केला लिए थे और यहाँ पे हम जो सेब लिए हैं वो भी हम आप लोग को दिखा रहे हैं। ये हम कुछ सेब लिए थे तो ये भी प्रसाद में चढ़ाएंगे हम सामने, इसे भी रख देते हैं। और इसमें है नारियल, आप लोग किधर नारियल चढ़ाते हैं इसलिए वो हमको प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो हम एक नारियल लिए हैं छोटा सा तो पूजा करने के लिए। और सबसे स्पेशल चीज़ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, ये छोटू गिलास देख सकते हैं, दो गिलास कल हम लिए हैं, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो हम जहाँ पे लेने के लिए गए थे वहाँ पे हम ये लिए थे, क्योंकि हम लेने गए थे इसी पीतल का, या तांबा का था पता नहीं, तो वो हम करवा लेने गए थे पर बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो वो हम क्या करते इतना बड़ा लेके। तो ये हम छोटा छोटा ऐसा ही दो कटोरी लिए हैं, सोच रहे थे हम धनतेरस में लेंगे पर हम कल ही ले लिए, मेरे से रहा नहीं गया। तो ये हम छोटा छोटा दो कटोरी लिए हैं और हम तीन लेंगे, पांच होना चाहिए। और पीछे कुछ इस तरीके का है, आगे कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा है और ये छुटकू गिलास कैसा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो ये हम प्रसादी वगैरह चढ़ाते हैं ना, तो ऐसे ही मतलब पान का पत्ता में या फिर केले का देते हैं ना, तो हम उस पर डालते थे, तो अभी हम इस पर डालेंगे। और है मेरे पास लेकिन वो घर पे है, तो घर से लाना हर चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकता है ना। तो ये है और इसमें कुछ भगवान जी दिए हैं, दिखा रही हूँ। पूरा पीन से कुछ करते हैं। ये हम एक चुनरी लाए थे ओम ओम साहब का, तो ये चुनरी चढ़ाएंगे हम। और ये हम एक छोटा सा बाल्टी भी लिए थे पूजा करने के लिए। और ये रहा माला जो कि हम चढ़ाएंगे, ऐसे तो फूल का माला एक बनाएंगे और या तो खरीद के लाएंगे, और ये एक भगवान जी लाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा है। और वो न्यू सिंदूर लगता है ना, तो वो लेके आए थे। वैसे तो हम कोलकाता गए थे तो वहाँ से हम सूखा वाला सिंदूर जो कि कोलकाता का फेमस सिंदूर है वो लेके आए थे, पर हम ये एक ले आए कि एक्स्ट्रा कभी कभी ज़रूरत पड़े तो। और मेरा पार्सल भी आ जा रहा है तो हम वो भी आप लोग के साथ शेयर कर दे रहे हैं। तो तीन पार्सल है, आया था शायद चार, तो वो अच्छा नहीं लगा मुझे तो हम रिटर्न कर दिए, तो वो हम आप लोग के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते थे। मुझे जो अच्छा लगा हम वही शेयर करेंगे। ये है बाबू का कुर्ता जो कि बाबू मुंडन के पहनने का। इस तरीके का है कलर, पता नहीं कैसा दिख रहा है मोबाइल में, पर ये बहुत अच्छा है इसका, ये बहुत अच्छा कुर्ता है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है और इसका पैजामा तो उससे भी ज़्यादा अच्छा, पूरा सॉफ्ट वाला कॉटन है तो बच्चे को ज़्यादा मतलब चिड़चिड़ा ना लगे, ये उस तरीके का कपड़ा है। तो ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि मतलब इतना कम प्राइस में इतना अच्छा चीज़ मिला, बहुत ही अच्छा लगा। और सेकेंड है इनका वर्दी रखने के लिए, हम ये वाला एक ऑर्डर किए थे, देख सकते हैं इसे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, पर ये वर्दी रखने के लिए या फिर कोट पैंट या फिर कुछ भी रखने के लिए ये सही है कि मतलब गंदा ना हो, तो पर्सनली हम वर्दी रखने के लिए इनका मंगाए थे। तो ये है, ये भी बहुत अच्छा है और ये फ्लिपकार्ट से लाए थे और वो मीशो से हम ऑर्डर किए थे बाबू का कुर्ता। और थर्ड जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी पिंक कलर का है, ये पूरा सिंपल है, हम कभी पहनेंगे तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अभी हम पूरा नहीं खोलेंगे क्योंकि परेशान हो जा रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके का है डिज़ाइन, ये पूरे में इस तरीके का है और आगे में पूरा प्लेन है, बहुत अच्छा है ये। और कपड़ा भी इसका बहुत अच्छा है, कम प्राइस में इतना अच्छा मिल गया, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं हम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, पहले थोड़ा सा हम रेस्ट कर लेते हैं और कपड़े भी चेंज शायद करें या ना भी करें, देखते हैं क्या करना है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आप लोग के साथ, थोड़ा बहुत जो काम है वो कर लेते हैं उसके बाद आप लोग। और ये ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, हम भी अच्छे से रहेंगे। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, न्यू है मेरे चैनल पे, तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन भी उसे भी क्लिक करिए और अपने फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिए। और अच्छा लगे वीडियो तो एक लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही जाइएगा अगर वीडियो देख रहे हैं तो। बाय बाय।